हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ड्रिल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम पेरेंटल्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, और आज हम बात करेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ पेरेंटल्स के बारे में, कि जो पेरेंटल्स का जो फॉर्मुलेशन होता है उन फॉर्मुलेशन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनका क्या रोल होता है। साथ ही साथ उन पेरेंटल्स के एग्जाम्पल्स को भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपको इंटरव्यू पर्पस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा समय नहीं गवाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पेरेंटल्स का जो फॉर्मुलेशन होता है वो 10 अलग अलग पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, मतलब 10 तरह के एलिमेंट्स जो होते हैं उनको ऐड किया जाता है, तो फिर पेरेंटल का फॉर्मुलेशन जो होता है वो डेवलप किया जाता है। तो उन सभी पार्ट्स के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या होते हैं। सबसे पहले होते हैं व्हीकल, जो व्हीकल जिसके अंदर आपकी ड्रग जो होगी वो सोल्युबलाइज होगी। ये व्हीकल जो होते हैं ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्वस व्हीकल और एक दूसरा होता है नॉन एक्वस व्हीकल। एक्वस व्हीकल के अंदर आता है वाटर फॉर इंजेक्शन, जिसे शॉर्ट में बोलता है WFI, और ये USP को फॉलो करता है, मतलब US फार्माकोपिया को फॉलो करता है। बैक्टीरियोस्टेटिक वाटर फॉर इंजेक्शन, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, वाटर मिसिबल व्हीकल, तो ये जो चारों चीजें हैं ये आती हैं आपकी एक्वस व्हीकल्स के अंदर, और नॉन एक्वस व्हीकल्स भी होते हैं। ठीक होगी बात। नेक्स्ट जो है वो है आपका जो नेक्स्ट कंपोनेंट जो कि फॉर्मुलेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स, एंटी ऑक्सीडेंट, बफर, सर्फेक्टेंट्स, टोनिसिटी एजेंट्स, चिलेटिंग एजेंट्स, को सॉल्वेंट्स, बल्किंग एजेंट्स, सस्पेंडिंग एजेंट और इमल्सिफाइंग एजेंट। तो ये 10 टाइप के अलग अलग फॉर्मुलेशन के पार्ट है और इनका सबका अलग अलग रोल होता है। तो हम एक एक करके इन सभी को हम समझते हैं, और एक एक के साइड में मैं आपको स्लाइड के माध्यम से सभी के एग्जांपल्स भी बताता जाऊंगा, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और उनके शॉर्ट नोट बना लीजिएगा। तो जब भी आप पेरेंटल्स के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो ये शॉर्ट नोट आपके काफी काम आएंगे, और ये जो नॉलेज है फॉर्मुलेशन से रिलेटेड ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर आप पेरेंटल्स फॉर्मुलेशन के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हीकल के बारे में, और व्हीकल के अंदर मैंने आपको बताया कि दो टाइप के व्हीकल होते हैं, एक्वस व्हीकल, नॉन एक्वस व्हीकल। एक्वस व्हीकल के अंदर चार टाइप के व्हीकल्स आते हैं। तो फर्स्ट इज वाटर फॉर इंजेक्शन, और ये वाटर फॉर इंजेक्शन जो होता है वो यूएसपी को फॉलो करता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया की गाइडलाइन को फॉलो करता है। तो बेसिकली जो वाटर फॉर इंजेक्शन होता है ये हाईली प्योर एक्वस सॉल्वेंट होता है, स्टेरलाइज वाटर होता है। इसकी जो लिमिट है यूएसपी की वो ये है कि 10 PPM से ज्यादा इसके अंदर सॉलिड्स की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, इसकी पीएच रेंज 5 to 7 होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि वाटर फॉर इंजेक्शन जो होता है उसकी जो प्रिपरेशन होती है वो प्रिपरेशन की जाती है वो डिस्टिलेशन के माध्यम से और रिवर्स ऑस्मोसिस के माध्यम से की जाती है, और जो टैंक्स यूज किए जाते हैं इसकी प्रिपरेशन में वो केमिकली रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, मतलब वो केमिकली इनर्ट होने चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आने वाले वीडियोस के अंदर, मतलब जो इसका अगला पार्ट होगा वहां पर मैं आपको इनकी प्रिपरेशन के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, मतलब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डिस्टिलेशन की प्रोसेस होती है और रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस कैसे होती है, मतलब जो इसकी प्रोडक्शन होता है वाटर फॉर इंजेक्शन का वो कैसे होता है, कौन सी प्रोसेस यूज की जाती है, वायर डायग्राम में आपको सिस्टमेटिक वे में समझाऊंगा, तो आपको इसका प्रोडक्शन भी बहुत ईजी वे में समझ में आ जाएगा। तो वाटर फॉर इंजेक्शन के बाद बारी आती है बैक्टीरियोस्टेटिक वाटर फॉर इंजेक्शन की। तो बैक्टीरियोस्टेटिक वाटर फॉर इंजेक्शन जो होता है इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है और इसका यूज जो होता है वो पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए किया जाता है। इसका जो प्रोडक्शन होता है तो स्टेरिलिटी का काफी ध्यान दिया जाता है, और साथ ही साथ जो यूएसपी से रिलेटेड जितने भी स्टेरिलिटी टेस्ट दिए गए हैं उन सभी को इस पर्टिकुलर इसको पास करना बहुत जरूरी है, मतलब यूएसपी स्टेरिलिटी टेस्ट इनके ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं और इनको पास करना इनके लिए काफी ज्यादा जरूरी है बैक्टीरियोस्टेटिक वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए। और बैक्टीरियोस्टेटिक वाटर फॉर इंजेक्शन के अंदर बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट्स को भी ऐड किया जाता है, और इसका जो वॉल्यूम होता है मतलब जो इनके कंटेनर्स होते हैं वो 30 ml से कम के होते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वाटर फॉर इंजेक्शन है वो है स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, और स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन की एक खास बात मैं आपको बता दूं, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन बैक्टीरियोस्टेटिक वाटर फॉर इंजेक्शन से ज्यादा सुटेबल होता है और ज्यादा यूज किया जाता है, और इसमें जो कंटेनर का यूज किया जाता है वो 30 ml से कम होना चाहिए, जो सेम मैंने आपको बैक्टीरियोस्टेटिक वाटर फॉर इंजेक्शन के अंदर बताया था। यहाँ पर बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि वाटर फॉर इंजेक्शन के अंदर जो सॉलिड्स की लिमिट थी वो 10 PPM से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ पर स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन के अंदर ये वाली प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अगर 10 PPM से भी ज़्यादा अगर सॉलिड्स स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन के अंदर प्रेजेंट होते भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ये वाली लिमिट लागू नहीं होती है, क्योंकि बेसिकली स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन का जो यूज़ होता है वो या तो वुंड्स को धोने के लिए, मतलब जो घाव होते हैं उनको धोने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, जिससे कि घाव के अंदर कोई भी इम्प्योरिटी है वो धुल के निकल जाए, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हट जाए,
या तो फिर सर्जिकल जो पार्ट्स होते हैं या जो गैजेट्स होते हैं उनको क्लीन करने के लिए इसका यूज किया जाता है, या बॉडी टिश्यूज को क्लीन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मतलब इसका जो स्टेरिल वाटरफॉल इंजेक्शन होता है इसका यूज हम इंटरनल बॉडी के अंदर इसको पेनिट्रेट नहीं करते हैं, इसको बेसिकली बाहरी एक्सटर्नल पर्पज के लिए इसको यूज किया जाता है। और जो चौथा हमारा वाटरफॉल इंजेक्शन आता है जो कि एक्वस फॉर्म के अंदर आता है, दे आर वाटर मिसिबल व्हीकल। देखिए वाटर मिसिबल व्हीकल का मतलब ये होता है कि वो व्हीकल जो कि वाटर के साथ मिसिसिबल होते हैं, पूरी तरीके से मिक्स नहीं होते हैं। ये उन ड्रग्स के लिए यूज किया जाता है जो ड्रग्स वाटर के अंदर कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होती हैं, तो फिर उनको इन पर्टिकुलर व्हीकल्स का यूज करके डिजोल्व किया जाता है और फिर बॉडी के अंदर पेनिट्रेट किया जाता है। तो बेसिकली वाटर मिसिबल व्हीकल्स का यूज उन ड्रग्स के लिए होगा जो कि वाटर के अंदर कंप्लीटली डिजोल्व नहीं है। ओके, साइड में आप मैं आपको वाटर मिसिबल व्हीकल्स के एग्जाम्पल्स भी आप साइड में स्लाइड के थ्रू देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप इन एग्जांपल्स को नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इंटरव्यू पर्पस के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके अलावा जो वाटर मिसिबल व्हीकल्स होते हैं वो जो ड्रग हम यूज कर रहे हैं बेसिकली उसके हाइड्रोलाइसिस को भी रोकते हैं। तो बेसिकली ड्रग डिग्रेड ना हो, उसका हाइड्रोलाइसिस ना हो, तो उसको रोकने के लिए भी वाटर मिसिबल व्हीकल्स का यूज किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट व्हीकल की कैटेगरी है वो है नॉन एक्वस व्हीकल्स। नॉन एक्वस व्हीकल्स उन कंडीशन में यूज किया जाता है या उन ड्रग्स के लिए यूज किया जाता है जो वाटर के अंदर बिल्कुल भी डिजोल्व नहीं होती है। तो इस टाइप की ड्रग्स को डिसॉल्व करने के लिए हम नॉन एक्वस व्हीकल्स का यूज करते हैं। साइड में मैं आपको नॉन एक्वस व्हीकल्स के एग्जांपल्स भी बता रहा हूं, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको पढ़ लीजिए क्योंकि ये आपको इंटरव्यू पर्पस में काफी काम आने वाले हैं। तो यहां पर हमने डिस्कशन किया कि जो पेरेंटल का जो फॉर्मुलेशन होता है उनके अंदर जो व्हीकल्स यूज होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और उनके क्या क्या नाम है। अब हम बात करेंगे इस फॉर्मुलेशंस के एडिटिव्स के बारे में कि इस पर्टिकुलर जो पेरेंटल का जो फॉर्मुलेशन होता है उसके अंदर कितने टाइप के एडिटिव्स का यूज किया जाता है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि फॉर्मुलेशन के टोटल 10 पार्ट होते हैं जिसमें फर्स्ट पार्ट जो था वो व्हीकल्स था, और अब बाकी के जो 9 पार्ट्स होंगे दे आर एडिटिव्स जो कि फॉर्मुलेशन के अंदर ऐड किए जाते हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट रोल होता है। तो सबसे पहले जिस एडिटिव्स का यूज किया जाता है फॉर्मुलेशन के अंदर वो होते हैं एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स। नाम से ही पता चल रहा है कि एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स का यूज फॉर्मुलेशन के लिए इसलिए किया जाता है कि फॉर्मुलेशन के अंदर किसी भी टाइप की बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो। बेसिकली एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स का यूज उस फॉर्मुलेशन के अंदर यूज किया जाता है जिनका मल्टीपल यूज होता है, मतलब जिन फॉर्मुलेशन को हमको एक से ज़्यादा बार यूज़ करना होता है और जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ सकते हैं, तो उस कंडीशन में ड्रग के अंदर या फॉर्मुलेशन के अंदर किसी भी टाइप की बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो, किसी टाइप की माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो, तो उसको रोकने के लिए हम हमारे फॉर्मुलेशन के अंदर एंटी बैक्टीरियल एजेंट डालते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इनकी लिमिट जो है वो पहले से तय कर दी गई है, लिमिट से ज़्यादा हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं फॉर्मुलेशन के अंदर। और साइड में मैं आपको इसके एग्जांपल भी बता रहा हूं और उनके सामने उनकी लिमिट भी लिखी हुई है, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट एडिटिव यूज़ किया जाता है जो कि काफ़ी फॉर्मुलेशन के अंदर यूज़ किया जाता है, इट इज़ कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट एजेंट। एंटीऑक्सीडेंट एजेंट का काम ये होता है कि ये एक तरह का प्रिजर्वेटिव है जो कि हमारे फॉर्मुलेशन को ऑक्सीडेशन होने से बचाता है। इसका काम ये होता है कि ये अगर हमारा कभी भी कोई फॉर्मुलेशन एटमॉस्फेरिक कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो वो खुद जो एंटीऑक्सीडेंट एजेंट्स होते हैं वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और फॉर्मुलेशन को ऑक्सीडाइज होने से बचा लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर दो टाइप के एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ किया जाता है। जो फर्स्ट होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट और सेकंड होता है ब्लॉकिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट और ब्लॉकिंग एजेंट के एग्जांपल आप साइड में देख सकते हैं स्लाइड के अंदर, तो वहाँ पर आप उसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इंटरव्यू पर्पस से भी, जीपेट के पर्पस से भी ये जो एग्जांपल्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो नेक्स्ट हमारा जो एडिटिव है वो है बफर। नाम से पता चल रहा है बफर का यूज़ जो हम करते हैं वो फॉर्मुलेशन की पीएच को मेंटेन करने के लिए करते हैं। ज़्यादातर बफर का यूज़ जो होता है वो पीएच को मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर हमारे फॉर्मुलेशन की पीएच आगे पीछे हो जाएगी तो हो सकता है कि हमारे फॉर्मुलेशन का केमिकल डिग्रेडेशन हो जाए, कोई केमिकल रिएक्शन हो सकती है आपस में ही जो एडिटिव्स हैं उनके बीच में, या ड्रग या एटमॉस्फेयर के बीच में, तो किसी भी टाइप का केमिकल डिग्रेडेशन ना हो उसको रोकने के लिए हमको पीएच को मेंटेन करके रखना होता है, जिसके लिए हम फॉर्मुलेशन के अंदर बफर्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो अगला एडिटिव है वो है सर्फेक्टेंट, और सर्फेक्टेंट का मेन काम ये होता है कि जो हमारी एक्टिव ड्रग्स हैं, जो हमारा API है, उसको स्टेबलाइजेशन देना, उसको स्टेबिलिटी देना, उसको स्टेबिलिटी देने का काम जो होता है वो सर्फेक्टेंट करता है। जो नेक्स्ट हमारा एडिटिव, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को, और वो है टोनिसिटी। देखिए टोनिसिटी जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है पेरेंटल फॉर्मुलेशन के अंदर, और मैं आपको एक चीज बता दूं कि स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स के अंदर टोनिसिटी एजेंट्स का यूज नहीं किया जाता है,
वहीं लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स के अंदर टोनिसिटी एडजस्टिंग एजेंट्स का यूज किया जाता है। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि टोनिसिटी और टोनिसिटी एजेंट्स क्या होते हैं और इनका क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ इसमें कि आपको ये याद रखना है कि जब भी कोई पेरेंटल प्रिपरेशन दी जाती है तो वो मस्ट बी आइसोटोनिक, मतलब वो आइसोटोनिक होनी चाहिए जब आप उसको हमारी बॉडी के अंदर हम उसको इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि हमको किसी भी टाइप का इरिटेशन नहीं होता है। तो ये आइसोटोनिक सोल्यूशन का क्या रीज़न है, मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। तो देखिए, बेसिकली सोल्यूशन जो होते हैं कंसनट्रेशन के हिसाब से वो तीन टाइप के होते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। फिर से बोल रहा हूँ, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। सबसे पहले बताता हूँ मैं हाइपरटोनिक क्या होता है। हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन होता है, बेसिकली इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होती है। ठीक हो गई बात, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है। वहीं बात की जाए हाइपोटोनिक की, तो यहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक हो गई। और आइसोटोनिक की बात की जाए तो यहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बराबर होती है, यहाँ पर कंसंट्रेशन का डिफरेंस नहीं होता है। तो देखिए, अगर आपका जो पेरेंटल प्रिपरेशन है अगर वो हाइपरटोनिक है तो हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन होता है, देखिए उसके अंदर क्या होगा, ये मान लीजिए मैंने ये सॉल्यूशन डाल दिया, ये है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और इसके अंदर जैसे ये सॉल्यूशन आपकी बॉडी के अंदर इंटर करेगा तो ये कॉन्टैक्ट में आएगा रेड ब्लड सेल के, तो ये रेड ब्लड सेल है। और जैसे ये रेड ब्लड सेल के कॉन्टैक्ट में आएगा तो रेड सेल के अंदर भी सॉल्वेंट प्रेजेंट है। और यहाँ पर मैंने क्या बोला कि यहाँ पर सॉल्वेंट कम होता है, सॉल्यूट ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है और ब्लड सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो ये एक दूसरे में इक्विलिब्रियम की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बाहर कम है क्योंकि ये हाइपरटोनिक है और अंदर ज़्यादा है, तो बाहर अंदर का जो सॉल्वेंट है, रेड ब्लड सेल का जो सॉल्वेंट होगा वो बाहर की तरफ मूव कर जाएगा, जिससे कि आपकी रेड ब्लड सेल जो होगी वो पूरी तरीके से श्रिंक हो जाएगी, इस तरीके से ये श्रिंक हो जाएगी। तो ये श्रिंकेज होगा जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, इस वजह से हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का यूज़ नहीं करते हैं फॉर पेरेंटल प्रिपरेशन। ठीक हो गई बात, मतलब आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो हाइपरटोनिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपोटोनिक की। हाइपोटोनिक के अंदर ये होगा, देखिए ये मैंने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अगर आपने इंजेक्ट कर दिया, अब इसमें क्या बोल रहा हूँ मैं कि सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है, सोल्यूट कम है सॉल्वेंट ज़्यादा है। अगर अब ये रेड ब्लड सेल के कॉन्टेक्ट में आता है तो रेड ब्लड सेल के अंदर भी सॉल्वेंट है और बाहर भी सॉल्वेंट है, बट यहाँ पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है और अब अंदर कम हो जाएगी। कंपेरेटिवली बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन है, अंदर कम है, तो ये बाहर वाला सॉल्वेंट अंदर की तरफ जाएगा, जिससे कि रेड ब्लड सेल जो होगी वो फूल जाएगी, स्वेलिंग आएगी और फट जाएगी, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। इसीलिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस भी पेरेंटल प्रिपरेशन के अंदर यूज़ नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन की खासियत ये होगी कि इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जो है वो सेम बनी हुई है, तो इसमें ये होगा कि जब रेड ब्लड सेल इसके अंदर आएगी तो किसी भी टाइप का सॉल्वेंट ना अंदर जाएगा ना बाहर आएगा, क्योंकि दोनों तरफ आपकी रेड ब्लड सेल के अंदर भी और सॉल्यूशन के अंदर भी जो कंसंट्रेशन है वो सेम बनी हुई है, जिससे कि सॉल्वेंट ना अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, तो इससे सेल ना श्रिंक होगी ना स्वेल होगी और बिल्कुल सेम कंसंट्रेशन बनी हुई होगी, जिससे कि आपको किसी भी टाइप का पेन नहीं होगा। इसीलिए जब भी कोई पेरेंटल प्रिपरेशन हमको दी जाती है तो वो आइसोटोनिक फॉर्म में होनी चाहिए, ना कि हाइपरटोनिक और ना ही हाइपोटोनिक। तो बेसिकली सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए, मतलब उसको आइसोटोनिक बनाए रखने के लिए पेरेंटल प्रिपरेशन के अंदर उनके फॉर्मुलेशन के अंदर टोनिसिटी एजेंट्स को ऐड किया जाता है, जिससे कि वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन बने रहें। और टोनिसिटी एजेंट है NaCl, KCl, डेक्सट्रोस, मैनिटोल और सोर्बिटोल। ये वो एजेंट होते हैं जिन्हें हम टोनिसिटी एजेंट कहते हैं, जिससे कि हमारी पेरेंटल प्रिपरेशन का जो फॉर्मुलेशन होता है उसकी कंसंट्रेशन आइसोटोनिक बनी हुई होती है। अगर वो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक हो गई तो मैंने आपको बता दिया कि उसका क्या रीज़न होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल के अंदर ये इसेंशियल नहीं है, टोनिसिटी एजेंट वहाँ पर ऐड नहीं किए जाते। उसका रीज़न ये होता है कि इनका वॉल्यूम काफ़ी कम होता है, जल्दी से इंजेक्ट करके आपको
रब कर दिया जाता है तो किसी भी टाइप का पेन नहीं होता है। बट लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स के अंदर क्या होता है कि ये 1 लीटर से ज़्यादा होते हैं, 1000 लीटर तक होते हैं, तो ये धीरे 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 करके आपकी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं। इसीलिए यहाँ पर टोनिसिटी एजेंट्स का डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो फिर आप सीधी सी बात है, आप कोई भी बॉटल या कोई भी ग्लूकोज की जो बॉटल आपको लग रही है वो नहीं लगा पाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होगा अगर वो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक में कन्वर्ट हो गए तो। इसीलिए लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स के अंदर टोनिसिटी एजेंट्स को ऐड किया जाता है। नेक्स्ट चीज मैं आपको बता दूं कि ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन से किसी भी रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, मैंने आपको बता दिया, और किसी भी टाइप का आपको इरिटेशन नहीं होता है, किसी भी टाइप का पेन आपको नहीं होगा अगर सॉल्यूशन आइसोटोनिक होगा। साथ ही साथ ये लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स के अंदर यूज किया जाता है और रैपिडली एडमिनिस्ट्रेट के लिए और एक्स्ट्रा वेस्कुलर इंजेक्शन में भी इसका यूज़ होता है। तो बेसिकली मैंने आपको इस पॉइंट को बहुत इजी वे में क्लियर करने की कोशिश करी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने टोनिसिटी एजेंट को अलग से सेपरेटली आपको बोर्ड में समझाया है, जिससे आपको टोनिसिटी के बारे में आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक का जो फंडा है वो बहुत ईजी वे में क्लियर हो जाए और आप ईजी वे में समझ सकें कि क्यों टोनिसिटी एजेंट पेरेंटल ड्रग्स के फॉर्मुलेशन के अंदर ऐड किया जाता है और इसका क्या रीजन है। नेक्स्ट एडिटिव जो हम ऐड करते हैं हमारे पेरेंटल फॉर्मुलेशन के अंदर वो होता है चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट का एक काम होता है कि जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं उनको ये रिमूव कर देता है, जो कि ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन को कैटलिस्ट करते हैं। मतलब जितने भी ट्रेस एलिमेंट हैं जो कि ऐसे कैटलिस्ट का रोल प्ले कर सकते हैं हमारी फॉर्मुलेशन के अंदर ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन करवा सकते हैं, तो उन कैटलिस्ट को वो रोक देता है, उन ट्रेस एलिमेंट्स को वो एक तरीके से रोक देता है या रिमूव कर देता है या उनके साथ खुद रिएक्ट कर लेता है और हमारे जो फॉर्मुलेशन है उसको डिग्रेडेशन होने से बचा देता है, उनका ऑक्सीडेशन होने से बचा देता है। तो चिलेटिंग एजेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फॉर्मुलेशन के अंदर। उसके बाद एक और जो फॉर्मुलेशन के अंदर हम प्रिपरेशन ऐड करते हैं, इट इज़ कॉल्ड को सॉल्वेंट। नाम से पता चल रहा है को सॉल्वेंट का ज़्यादातर यूज़ होता है फॉर द इंक्रीज फॉर सॉल्युबिलिटी। किसी भी हमारी अगर हम कोई फॉर्मुलेशन डेवलप कर रहे हैं और वहाँ पर हमको दिख रहा है कि जो फॉर्मुलेशन बन गया है वो पूरी तरीके से सोल्यूबलाइज नहीं हो रहा है, ड्रग जो है वो व्हीकल के अंदर तो सोल्यूबलाइज हो गई है बट जो एडिटिव्स हमने ऐड करे हैं वो हमारी ड्रग फॉर्मुलेशन या कोस हमारे जो सॉल्वेंट है जो वाटर फॉर इंजेक्शन है उसके अंदर हमारे एडिटिव्स ऐड नहीं हो पा रहे हैं या ड्रग ऐड नहीं हो पा रही है, तो उसकी सोल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम को सॉल्वेंट्स को ऐड करते हैं, जिससे कि सारी प्रिपरेशन पूरा फॉर्मुलेशन सिस्टमेटिक वे में सोल्यूबलाइज हो जाता है, मिक्स हो जाता है। इसके अलावा जो हाइड्रोलाइसिस हो सकता है हमारे फॉर्मुलेशन का उसको भी सेव करने के लिए को सॉल्वेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हाइड्रोलाइसिस को रोकता है। उसके बाद जो अगला एडिटिव्स हम ऐड करते हैं दे आर बल्किंग एजेंट। देखिए बल्किंग एजेंट का काम होता है किसी भी प्रोडक्ट का बल्क बढ़ाना, उसका वेट बढ़ाना, और ज़्यादातर वो पेरेंटल प्रिपरेशन जो कि ड्राई फॉर्म में होती है, ड्राई पाउडर फॉर्म में होती हैं और फिर उसमें हम लिक्विड को ऐड करके फिर शेक करके फिर एज ए पेरेंटल प्रिपरेशन हम उसको यूज़ करते हैं, तो ऐसी प्रिपरेशन के अंदर हम बल्किंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको उसको पाउडर फॉर्म में लेना होता है तो पाउडर फॉर्म में लेने के लिए हमको उसका थोड़ा सा बल्क बढ़ाना होगा, उसका वेट बढ़ाना होगा, जिसके लिए हम उसके अंदर बल्किंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं। तो ऐसी प्रिपरेशन या ऐसी पेरेंटल प्रिपरेशन जो कि ड्राई फॉर्म में होती हैं और उसमें बाद में हम लिक्विड ऐड करके फिर उसको हमको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तो ऐसी प्रिपरेशन के अंदर हम बल्किंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं। और आखिरी जो हमारे एडिटिव्स हैं वो है इमल्सिफाइंग एजेंट और सस्पेंडिंग एजेंट। नाम से पता चल रहा है इमल्सिफाइंग एजेंट और सस्पेंडिंग एजेंट का काम ये होता है कि अगर हमारे फॉर्मुलेशन के अंदर हम वाटर और ऑयल यूज़ कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए जो हमारी ड्रग है वो वाटर और ऑयल के अंदर डिजोल्व हो रही है और हमारी प्रिपरेशन या हमारा जो फॉर्मुलेशन है वाटर और ऑयल को कंटेन कर रहा है, तो उनके बीच में स्टेबिलिटी बनाने के लिए वाटर और ऑयल को मिक्स करने के लिए और एक जैसा मिक्स रहने के लिए हम इमल्सिफाइंग एजेंट और सस्पेंडिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं, जिससे कि वाटर और ऑयल आपस में टूटे नहीं, अलग अलग ना हो, वो आपस में मिक्स रहें, इसी के लिए हम वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट और सस्पेंडिंग एजेंट का यूज़ करते हैं हमारे फॉर्मुलेशन के अंदर। तो ऐसी प्रिपरेशन जो कि वाटर और ऑयल को कंटेन करेंगी, उनको स्टेबलाइज करने के लिए, उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए हमको इमल्सिफाइंग एजेंट या सस्पेंडिंग एजेंट का यूज़ करना होता है। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और खुशखबरी ये है कि अब आपको हर जॉब की जानकारी, जी हाँ, फार्मा से रिलेटेड हर जॉब की जानकारी मिलेगी समय पे, जिससे कि आप समय पे इंटरव्यू दे सकें और जॉब ले सकें। सर क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि ये जानकारी कहाँ मिलेगी, तो ये जानकारी मिलेगी मेरे नए चैनल पे। चैनल का नाम है करण सर फार्मा क्लासेस। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के थ्रू मैं आपको समय समय पे फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड या फार्मा सेक्टर से रिलेटेड, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो,
उससे रिलेटेड जानकारी मैं आपको समय समय पे देता रहूंगा, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी न्यूज जो कि जॉब से रिलेटेड है वो आपसे नहीं छूट पाएगी। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ एक और इंफॉर्मेशन कि मैं आने वाला हूं लाइव, और समय समय पर मैं लाइव आके आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या जितने भी डाउट्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन ये भी उठ रहा होगा कि सर आप लाइव कहाँ आने वाले हो, तो मैं लाइव आऊंगा मेरे फेसबुक पेज पे। मेरा फेसबुक पेज का नाम है प्रोफेसर करण अजय गुप्ता। फेसबुक पेज का लिंक मैं नीचे शेयर कर रहा हूँ, वहां पे जाके प्लीज मेरे पेज को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि वहां पर मैं आने वाला हूँ लाइव और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को मैं वहां पर सॉर्ट आउट करूंगा। तो यही वो जानकारी थी जो मैं आपको बताना चाहता था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपकी उज्ज्वल की कामना करता हूँ, और यूं ही बने रहिए मेरे।